और ये केवल चंडीगढ़ या पंचकुला की नहीं बल्कि पूरे देश की ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगह से देखने को मिल रही है। और इसके लिए अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो मोदी सरकार है। खुद देश के प्रधानमंत्री जो दावा करते हैं कि हमने देश को एक अग्रणी श्रेणी में अगली पंक्ति में हम लेके गए हैं, लेकिन उसकी पोल खुलती हुई यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो नजर आ रहे हैं। मैम जी, किस वजह से दो दिन की हड़ताल के ऊपर आप उतरे हुए हैं, क्या मुख्य मांगे हैं? देखिए, हम तो अपनी भारत सरकार, आदरणीय भारत सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जो इतनी जनता, जो इतने बैंकर्स हम सब खड़े हैं, सब जो माता पिता का एक उद्देश्य होता है कि बच्चे पहले सरकारी नौकरी में जाएं। नीरव मोदी का केस है, वाली आ गया केस है, तो वहाँ पे जो हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रोविजन में रखा जाता है। हम नुकसान में किसी भी स्टेज पे नहीं थे, ना कल थे, ना आज हैं, ना हम आगे होंगे। हम ये कहते हैं, जब ये बैंक प्राइवेट सरकारी किए गए थे प्राइवेट से, तो सरकार की मंशा होगी कि एम्प्लॉयज का हित देखा जाए। जब ये सरकार प्रॉफिट में काम कर रही, जनता के हित में काम कर रहे हैं, सरकार की नीतियों को लागू कर रहे हैं, फिर इनको फायदे में होने के बावजूद भी प्राइवेट क्यों किया जा रहा है, ये हमारी समस्या बार पॉलिसी है। अगर कोई बैंक लॉस में है तो प्राइवेट बैंक है, कोई भी सरकारी बैंक आज तक डूबा नहीं है। जो प्राइवेट बैंक घाटे में जाता है उसको सरकारी बैंक को दे दिया जाता है, आप इसको ले लीजिए। कोई भी सरकारी बैंक आज तक डूबा नहीं है, सरकारी बैंक सब प्रॉफिट में है। अगर कोई बैंक घाटे में जाता है तो सरकार की नीतियों की वजह से जाता है। जब हम फायदे में काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं, लॉस में नहीं है, तो हमें प्राइवेट क्यों किया जा रहा है? लेकिन जब वोचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में आ जाते हैं। जब आपने 40 करोड़ रुपए की एफडी रखनी है वो आप एचडीएफसी बैंक में रखेंगे, जब आपने 4500 लोगों को पैसा देना है वो आप पीएनबी के थ्रू दे। और ये केवल चंडीगढ़ या पंचकुला की नहीं बल्कि पूरे देश की ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगह से देखने को मिल रही है। और इसके लिए अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो मोदी सरकार है। खुद देश के प्रधानमंत्री जो दावा करते हैं कि हमने देश को एक अग्रणी श्रेणी में अगली पंक्ति में हम लेके गए हैं, लेकिन उसकी पोल खुलती हुई यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो नजर आ रहे हैं। मैम जी, किस वजह से दो दिन की हड़ताल के ऊपर आप उतरे हुए हैं, क्या मुख्य मांगे हैं आप? देखिए, हम तो अपनी भारत सरकार, आदरणीय भारत सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जो इतनी जनता, जो इतने बैंकर्स हम सब खड़े हैं, सब जो माता पिता का एक उद्देश्य होता है कि बच्चे पहले सरकारी नौकरी में जाएं। नीरव मोदी का केस है, वाली आ गया केस है, तो वहाँ पे जो हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रोविजन में रखा जाता है। हम नुकसान में किसी भी स्टेज पे नहीं थे, ना कल थे, ना आज हैं, ना हम आगे होंगे। हम ये कहते हैं, जब ये बैंक प्राइवेट सरकारी किए गए थे प्राइवेट से, तो सरकार की मंशा होगी कि एम्प्लॉयज का हित देखा जाए। जब ये सरकार प्रॉफिट में काम कर रही, जनता के हित में काम कर रहे हैं, सरकार की नीतियों को लागू कर रहे हैं, फिर इनको फायदे में होने के बावजूद भी प्राइवेट क्यों किया जा रहा है, ये हमारी समस्या बार पॉलिसी है। अगर कोई बैंक लॉस में है तो प्राइवेट बैंक है, कोई भी सरकारी बैंक आज तक डूबा नहीं है। जो प्राइवेट बैंक घाटे में जाता है उसको सरकारी बैंक को दे दिया जाता है, आप इसको ले लीजिए। कोई भी सरकारी बैंक आज तक डूबा नहीं है, सरकारी बैंक सब प्रॉफिट में है। अगर कोई बैंक घाटे में जाता है तो सरकार की नीतियों की वजह से जाता है। जब हम फायदे में काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं, लॉस में नहीं है, तो हमें प्राइवेट क्यों किया जा रहा है? लेकिन जब वोचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में आ जाते हैं। जब आपने 40 करोड़ रुपए की एफडी रखनी है वो आप एचडीएफसी बैंक में रखेंगे। जब आप पूरे देश में आज बैंकों की हड़ताल है, जी हाँ, आप हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हो, ये नज़ारा है चंडीगढ़ का, पंचकुला का, जी हाँ, जहाँ पर तमाम जो बैंकों के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो आज दो दिन की देशव्यापी हड़ताल पर उतरे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकार उनके साथ ऐसे ही धोखे करते रहेगी, जब तक बैंकों का निजीकरण करती रहेगी, तब तक वो किसी भी हाल में अपनी जो स्ट्राइक है, अपना जो आंदोलन है, उसको वापस नहीं लेंगे। जी हाँ, लगातार तस्वीरें हम आपको दे आज बैंकों में क्या है, आज बैंकों में क्या है, इस हड़ताल का जिम्मेदार कौन है, इस हड़ताल का जिम्मेदार कौन है? प्राइवेटाइजेशन निजीकरण बंद करो बंद करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई।
अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आर डिमांड, जस्ट डिमांड, आर डिमांड, जस्ट डिमांड, आर डिमांड, जस्ट डिमांड, वी आर राइट पाथ, राइट पाथ, वी आर ऑन राइट पाथ, राइट पाथ, राइट पाथ, वी आर ऑन राइट पाथ, राइट पाथ, आर डिमांड, राइट पाथ, आर डिमांड, जस्ट डिमांड, आर डिमांड, जस्ट डिमांड, निजीकरण बंद करो, बंद करो निजीकरण। ये देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये केवल चंडीगढ़ या पंचकुला की नहीं बल्कि पूरे देश की ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगह से देखने को मिल रही है। और इसके लिए अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो मोदी सरकार है, खुद देश के प्रधानमंत्री जो दावा करते हैं कि हमने देश को एक अग्रणी श्रेणी में अगली पंक्ति में हम लेके गए हैं, लेकिन उसकी पोल खुलती हुई यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो नजर आ रहे हैं। इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि जब सरकारी बैंक अच्छा काम कर रहे हैं, जब सरकारी बैंकों के अंदर आम जनता को सबसे ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं तो आखिरकार किन लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री सरेआम झूठ बोल रहे हैं, केंद्र सरकार सरेआम झूठ बोल रही है, किस प्रकार से आम जनता को चूना लगाया जा रहा है। यही आक्रोश, यही जो गुस्सा वो कर्मचारियों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। काफी सारे जो नेता हैं, जो कर्मचारी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। मैम जी, किस वजह से दो दिन की हड़ताल के ऊपर आप उतरे हुए हैं, क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? देखिए, हम तो अपनी भारत सरकार, आदरणीय भारत सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जो इतनी जनता, जो इतने बैंकर्स हम सब खड़े हैं, सब जो माता पिता का एक उद्देश्य होता है कि बच्चे पहले सरकारी नौकरी में जाएं। आप पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी हैं और काफी लंबे समय से आपका इस फील्ड में अनुभव भी है। धरातल की अगर हम बात करें, वास्तव में क्या बैंक इतने दिवालिया होते जा रहे हैं जिससे कि देश के जो प्रधानमंत्री है या मोदी सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, जो जनता के सामने पिया देते हुए आए हैं और आने वाले समय में भी देश के लिए, जनता के लिए, देश के लिए, भारत के लिए वो आगे भी मुनाफा देते रहेंगे बशर्ते सरकारें उनके साथ कोई गलत खेल ना खेले, सरकारें उनका शोषण ना करे। सभी की बैलेंस शीटें पब्लिश की जाती हैं और जो एनालिस्ट हैं वो उसका एनालिसिस करते हैं। अगर मैं पीएनबी की बात करूं, पिछले 10 सालों में हमने 10,000 करोड़ रुपया उसको प्रॉफिट को इंक्रीज किया है, क्रॉस किया है कंजेक्टिव 5 ईयर्स। सिर्फ क्या है, जो उन्होंने बिग कंपनीज को लोन दिए थे कॉरपोरेट्स को, जैसे आपको पता है नीरव मोदी का केस है, वाली आगे का केस है, तो वहाँ पे जो हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रोविज़न में रखा जाता है। हम नुकसान में किसी भी स्टेज पे नहीं थे, ना कल थे, ना आज हैं, ना हम आगे होंगे। सेकेंडली ये है, जो ये प्राइवेटाइजेशन की जा रही है ये खाली बैंकों का नुकसान नहीं है, ये नुकसान पब्लिक का भी है। कोरोना पीरियड के बाद जितनी भी इन्होंने सोशल वेलफेयर की स्कीम्स लाई, वो आपकी सभी स्कीम्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू लाई गई, ना कि प्राइवेट बैंकों के थ्रू लाई गई। अभी ये कंपनसेशन दी जा रही है कि हमने जो अपना एयर क्रैश के वक्त 40 लाख रुपये की इंश्योरेंस बैंकों ने रखी थी, वो इनको एक दिन के अंदर, इतने घंटे के अंदर सेटल कर दी। अगर आपने उन बैंकों का नाम देखा है या इंश्योरेंस कंपनीज का नाम देखा है, वो सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है, कोई भी प्राइवेट वाली नहीं है उसमें। स्टेट बैंक का नाम आ रहा है, पंजाब नेशनल बैंक का नाम आ रहा है, नेशनल इंश्योरेंस का काम आ रहा है, यूनाइटेड इंश्योरेंस का काम आ रहा है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अभी हरियाणा गवर्नमेंट ये अरेंजमेंट कर रही है कि जितने एजुकेशन रिलेटेड अकाउंट्स हैं वो HDFC बैंक में खोले जाएंगे, लेकिन जब वोचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में आ जाते हैं। जब आपने 40 करोड़ रुपए की FD रखनी है वो आप HDFC बैंक में रखेंगे, जब आपने 4500 लोगों को पैसा देना है वो आप PNB के थ्रू देंगे। बिल्कुल सर, आपको रोकना चाहूँगा, देश की जनता को एक बार हम बताना चाहेंगे दोबारा फिर कि किस प्रकार से बैंकों को चूना लगाने का काम किया जा रहा है, किस प्रकार से बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है और साथ ही साथ उनके लिए कौन सी चालें चली जा रही है। जो मुनाफा है वो प्राइवेट बैंकों के हिस्से आता है और जो हानि है वो पब्लिक सेक्टर में आती है। सर, बार बार आपकी तरफ से प्रदर्शन किए जाते हैं और अभी जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है तब से अलग क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोदी का जो समर्थन नहीं करता वो अंधभक्त कहलाता है, या ये कहें कि उसको एक तरह से देश का दुश्मन माना जाता है, आप किस तरह से देखते हैं? हम ये कहते हैं जब ये बैंक प्राइवेट सरकारी किए गए थे प्राइवेट से, तो सरकार की मंशा होगी कि एम्प्लॉयज का ही देखा जाए। जब ये सरकार प्रॉफिट में काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं, सरकार की नीतियों को लागू कर रहे हैं, फिर इनको
फायदे में होने के बावजूद भी प्राइवेट क्यों किया जा रहा है, ये हमारी समस्या बाहर पॉलिसी है। अगर कोई बैंक लॉस में है तो प्राइवेट बैंक है, कोई भी सरकारी बैंक आज तक डूबा नहीं है। जो प्राइवेट बैंक घाटे में जाता है उसको सरकारी बैंक को दे दिया जाता है, आप इसको ले लीजिए। कोई भी सरकारी बैंक आज तक डूबा नहीं है, सरकारी बैंक सब प्रॉफिट में है। अगर कोई बैंक घाटे में जाता है तो सरकार की नीतियों की वजह से जाता है। जब ये बैंक सारे नेशनलाइज किए गए थे तो सरकार की मंशा कुछ ठीक होगी। आज सरकार चाहती है सब कुछ प्राइवेट कर दो, हर सेक्टर में हाहाकार मचा हुआ है, ये प्राइवेट कर दो, रेलवे कर दो, LIC कर दो, सब डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दो। हम भी चाहते हैं जब हम फायदे में काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं, लॉस में नहीं है, तो हमें प्राइवेट क्यों किया जा रहा है? जी बिल्कुल, क्यों किया जा रहा है? और सर कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? क्या केवल 2 दिन का ये सांकेतिक पूरे देशव्यापी हड़ताल का कार्यक्रम रहेगा या आने वाले समय में भी ऐसे ही प्रदर्शन चलता रहेगा? हम UFU के बैनर के नीचे काम कर रहे हैं, यूनिटी फॉरम बैंक यूनियंस। अभी 2 दिन की हड़ताल का आह्वान है। अगर ये सरकार बिल पेश करेगी जैसा हमारे UFU के लीडर्स ने बताया है, हो सकता है हमें आगे भी हड़ताल करनी पड़े और अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। जी बिल्कुल, कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। आप हमारे साथ यहाँ पे बैनर देख सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो हमेशा जनता के हित की बात करते हैं। सरकारी बैंकों में जो काम करने वाले बच्चे हैं, एक तरफ जहां युवाओं को, अनेक बच्चों को रोजगार मिलता है, वहीं आम जनता से जुड़े हुए जो भी तमाम तरह की स्कीमें होती हैं उनका भी फायदा उनको मिलता है। ये देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें PMC बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, यस बैंक के डूबने से आम आदमी की जमा पूंजी निकासी पर रोक। आज तक किसी सरकारी बैंक से जमा पूंजी निकासी पर कभी रोक नहीं लगी, तो सरकारी बैंकों का निजीकरण क्यों किया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, देश में 22 प्राइवेट बैंक कार्यरत हैं और सरकारी बैंक केवल 12, तो सरकारी बैंकों का निजीकरण क्यों? ये देश जानना चाहता है, पूरा देश पूछना चाहता है। जब सभी सरकारी बैंक लाभ कमा रहे हैं तो सरकारी बैंकों का निजीकरण क्यों किया जा रहा है? मैम, आपकी नज़र में मोदी जी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए काम करते हैं और पहले के प्रधानमंत्रियों से कई गुना ज़्यादा काम करते हैं, तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों मोदी जी को दोष दे रहे हैं? सर, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम प्राइवेट क्यों होने जा रहे हैं। जब हमने इस बैंक में ज्वाइन किया था तो हमने काफ़ी मेहनत से काम किया था, तभी हमें ये जॉब मिली थी। तो अगर हम इतना काम कर रहे हैं, इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं, तो हमें फिर प्राइवेट क्यों किया जा रहा है? ये हमें मोदी जी का ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमें प्राइवेट कर दिया जाएगा तो क्या उनकी जो हम ये इंश्योरेंस जो प्रधानमंत्री की जितनी भी, आपको मोदी जी की मेहनत पे शक है? कमाल करते, देश के प्रधानमंत्री की मेहनत पे शक। प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए जितनी भी योजनाएं बनाई, चाहे वो जनधन योजना थी, चाहे आवास योजना थी, इंश्योरेंस स्कीम्स थी, उसका आप डेटा उठाइए, उस डेटा के अकॉर्डिंग देखिए कि प्राइवेट सेक्टर ने कितना काम किया है और पब्लिक सेक्टर ने कितना काम। मैम देखिए, तमाम जो विभागों के, तमाम जो बैंकों के कर्मचारी हैं, किस प्रकार से इनके द्वारा आक्रोश यहां पर जाहिर किया जा रहा है और इनका कहना है कि जब तक ये निजीकरण सरकार करने पर तुली रहेगी तब तक इनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इन कर्मचारियों का जो आंदोलन है वो कितना रंग लाता है और क्या जो सरकारी बैंक है वो निजीकरण होने से बच पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ अजय लोहान, बिंदास रेणा।